Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unit 16, present indefinite, negative and interrogative. इससे पिछले यूनिट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पिछले से पिछले यूनिट में यानी कि यूनिट नंबर 14 के अंदर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कर चुके हैं. उसमें हमने ये देखा था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से और जिसको इस्तेमाल करके हम हर टेंस पर कमांड हासिल कर सकते हैं. यूनिट नंबर 14 के अंदर हमने सिर्फ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सीखा था, यानी कि मुस्बित जुमले हमने सीखे थे किस तरीके से वो जुमले बनाते हैं, और हमने उसके स्ट्रक्चर पर भी नजर डाली थी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका इस्तेमाल भी हमने सीखा था. फिर से यहां पर एक बात बताता चलूंगा कि स्ट्रक्चर एक अपनी जगह अहमियत रखता है, लेकिन उसका इस्तेमाल, टेंस का इस्तेमाल अपनी जगह अहम है. अगर आपको टेंस का इस्तेमाल नहीं आता और सिर्फ स्ट्रक्चर आता है तो आप उस टेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहले आपको किसी भी टेंस का इस्तेमाल मालूम होना जरूरी है. इसी तरीके से आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पहले इस्तेमाल, उसका यूजेज मालूम होना चाहिए कि वो किस तरीके से और कहां पर इस्तेमाल होता है, और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स भी मालूम होने चाहिए ताकि आप सही जुमले बना सकें. स्ट्रक्चर का काम सिर्फ और सिर्फ आपको जुमले बनाने में मदद देना है. अब हम नजर डालते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि मनफी जुमले किस तरीके से हम बनाएंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के. सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, डू और डज. तो डू जो है वो तमाम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है. जैसे मिसाल के तौर पर ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपने उसके साथ डज का इस्तेमाल किया है. और फिर आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, सो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है. डज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, बाकी तमाम पर्सन्स के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं. और नॉट की साइन यानी कि नॉट जो है वो नेगेशन यानी जुमले को मनफी बनाता है, नेगेटिव बनाता है. एंड देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की हम इस्तेमाल कर रहे हैं. ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का और आप थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने डज का इस्तेमाल कर लिया, तो आगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इजाफा हरगिज नहीं करेंगे. मिसाल के तौर पे नोट करें, करेक्ट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. तो आप देख रहे हैं कि हमने डज इस्तेमाल किया है और उसके बाद आगे जुमले के अंदर हमने एस और यस का इजाफा नहीं किया, हमने ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. ये जुमला बिल्कुल सही है. लेकिन गलत जुमला क्या है, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट. आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने डज इस्तेमाल कर लिया है. आपको डज किस तरह हासिल हुआ, आपने इसके साथ डू है ये असल में, इसके साथ आपने ईएस का इजाफा किया तो ये हेल्पिंग वर्ब डज बन गया. तो ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, ये जुमला बिल्कुल गलत है. आप हरगिज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट के तौर पर, तो आप एस और यस का इजाफा नहीं करेंगे. यानी कि जब आपने डज इस्तेमाल कर लिया तो अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इजाफा नहीं करेंगे. अब नजर डालते हैं हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पर. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है. जैसे कि आपको इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि अंग्रेजी जबान के अंदर जो सवालिया जुमले होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनका आम तरीकाकार ये है कि हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं हम. तो ये एक आम तरीका है, एक आम स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज हैं, हमने उनको सब्जेक्ट से पहले रख दिया है. तो हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट ही हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है. तो हम देखते हैं, स्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, राइट. सो डू और डज का वही तरीकाकार है जो आपको मैं पहले नेगेटिव में बता चुका हूं कि डू जो है तमाम पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा. अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि आपको पर्सन का नहीं पता, तो आप पिछले यूनिट्स में जाके देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है. तो डू डज प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. वही बात यहां पर भी है कि आप डज जब इस्तेमाल कर लेंगे तो आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का इजाफा नहीं करेंगे. हम नजर डालते हैं मिसालों पर. डू यू गो टू स्कूल, यहां पर हमारे पास ये सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया. यहां पर हम डज इस्तेमाल नहीं कर सकते. आप डज यू गो टू स्कूल नहीं कह सकते, डू यू गो टू स्कूल, क्योंकि यू जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज शी प्ले क्रिकेट. तो शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आपने डज का इस्तेमाल यहां पर किया है, डज शी प्ले क्रिकेट. और आप देख सकते हैं कि हमने इस जुमले के अंदर एस और यस का इजाफा नहीं किया. नोट करते हैं करेक्ट फॉर्म पर, डज ही गो टू स्कूल.
डज ही गो टू स्कूल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डज इस्तेमाल किया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारे पास, और हमने फिर एस और एस का इजाफा नहीं किया। बिल्कुल ये जुमला सही है, डज ही गो टू स्कूल। गलत जुमला क्या है, डज ही गोज टू स्कूल। अक्सर तालिबे इल्म ऐसा करते हैं कि वो डज भी इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। डज ही गोज टू स्कूल, ये जुमला बिल्कुल गलत है। सही जुमला है डज ही गो टू स्कूल।